हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट यूज़र विथ पासवर्ड। कि हमारे कंपनी में एक पीसी है और उस पर दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉई को काम करना है, तो उनका अलग अलग अकाउंट विथ पासवर्ड कैसे बनेगा। तो इससे क्या होगा कि हर यूज़र के पास उनका अपना यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, वो अपने अकाउंट से लॉग इन करके काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल क्लिक ऑन, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको माय कंप्यूटर पे, और मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाएंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर मैनेजमेंट में इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ जाएंगे। इसमें आपको लोकल यूज़र एंड ग्रुप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन खुल के आएंगे, यूज़र एंड ग्रुप। फिर आपको यूज़र पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो जितने यूज़र पहले से बने हुए हैं वो शो हो जाएंगे। ये ऑलरेडी बन चुके हैं, पहले से बने हुए हैं, देन ये दिखाई दे रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन है। तो हमें तो नया यूज़र बनाना है। मान लेते हैं हमें बनाना है राहुल, एक राहुल का बनाना है और एक सीता का बनाना है। तो राहुल का बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पर राइट क्लिक कर देंगे और न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। यही चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, एक्शन बटन दिख रहा है, एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र पे क्लिक कर देंगे तो वही खुल के आ गया डायलॉग बॉक्स सेम। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम डालेंगे, जैसे कि हमें बनाना है राहुल का, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया राहुल। ठीक है, वही सेम नाम आप नीचे भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दे दिया राहुल, ओके। और जैसे कि हमें डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसकी डेजिनेशन डाल सकते हैं। इसके नीचे आ रहा है पासवर्ड, अब पासवर्ड में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड दे देंगे। मैंने दे दिया है 1 2 3 4 5 6। सेम पासवर्ड हमें नीचे देना पड़ता है कंफर्म पासवर्ड में, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ से टिक हटा देंगे, इन दोनों पे आप लगा देंगे, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। इसका क्या मतलब यह है कि यूज़र अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर का मतलब है कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं लगी हुई है कि 1 महीने बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा फिर नया पासवर्ड यूज़र को डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस वो पासवर्ड कभी एक्सपायर ही नहीं होगा, वही पासवर्ड चलता रहेगा। यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये यूज़र हमारा बन चुका है। ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। देखिए, एक राहुल नाम का यूज़र आ गया। ऐसे ही हमें कोई दूसरा यूज़र भी बनाना है तो उसके लिए भी हम राइट क्लिक करना है, न्यू यूज़र पे जाना है। हम बना लेते हैं, यूज़र नेम डालेंगे यहाँ पे सीता, वही नेम हम नीचे भी डाल देंगे सीता। कुछ डिस्क्रिप्शन में डालना है तो वो डाल देंगे। फिर हम इसका पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड हमने दे दिया इसका 8888, 4 टाइम 8 दे दिया। ऐसे ही नीचे क्लिक करेंगे, इसका भी 4 टाइम 8 दे देते हैं, 1 2 8 8 8 8, ओके। और उसके बाद यहाँ से टिक हटा देंगे और इन दोनों पे लगा देंगे, देन क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो ये यूज़र बन चुके हैं, ये दोनों यूज़र बन गए हैं, एक है राहुल और एक है सीता। अब यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, अब इसको शट डाउन कर देंगे। शट डाउन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पावर ऑफ पे क्लिक करके आप शट डाउन कर देंगे। ठीक है, शट डाउन कर देंगे या रिस्टार्ट कर देंगे। जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर बंद होकर दोबारा खुल जाएगा और जो आपने वो यूज़र बना रखे हैं वो शो होंगे। तो आप जिस यूज़र से लॉगिन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके और वो पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो वो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। बट मैं इसे रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं से इसे लॉग ऑफ कर देता हूँ। तो लॉग ऑफ के लिए मैंने इसको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन दबाएंगे। जैसे आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन दबाएंगे तो ये हमारा टास्क बार खुल के आ जाएगा। मैंने यहाँ से साइन आउट कर दिया इसको, आप शटडाउन रिस्टार्ट ही करके देख लेना, ठीक है, वो सही रहेगा। मैंने यहाँ पे साइन आउट कर दिया। साइन आउट का मतलब जिस लॉगिन से मैं लॉगिन हो रखा था मैं उससे बाहर आ गया हूँ। अब देखिए यहाँ पे एडमिन आ रहा है और
इसके नीचे देखिए इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अब यहाँ पे एडमिन भी आ रहा है, राहुल भी आ रहा है, सीता भी आ रहा है, बिकॉज हमने दो यूज़र नए बनाए थे, राहुल और सीता, एडमिन पहले से बना हुआ था, ठीक है। तो अगर हम राहुल पे क्लिक करते हैं तो ये राहुल का पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने इसमें डाल दिया 1 2 3 4 5 6 और सॉरी अभी टाइप नहीं हुआ है, दोबारा करते हैं 1 2 3 4 5 6, यही पासवर्ड हमने दिया था, और यहाँ से एंटर होके लॉगिन कर देंगे। अब देखिए राहुल नाम का यूज़र लॉगिन हो रहा है, ये कॉन्फ़िगर हो रहा है यूज़र, ये मुश्किल से 30 सेकंड तक या 25 सेकंड तक ले सकता है। इसको होने देंगे। दोस्तों जो दूसरा यूज़र था वो भी सेम इसी तरह से ही खुलेगा, जो सीता नाम का यूज़र हमने बनाया था, तो उसमें भी आप क्लिक करके उसका पासवर्ड डालेंगे तो सीता का शुरू में इतना टाइम लगाएगा, ठीक है, क्योंकि वो शुरू में कन्फिगर होता है, उसके बाद आपका एकदम जल्दी से खुल जाएगा। दोस्तों ग्रेट फीचर टू द एक्साइटेड अबाउट, मतलब उसका जो कन्फिगर हो रहा है, उसकी एक माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनता है, उसके सारे डायरेक्टरी बनती हैं, तो उसमें ये टाइम लगाता है, गेटिंग एवरी डे सब कुछ इस तरह से शो होगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, इसमें इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि इसकी किसी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कम है। अब देखिए ये हमारा लॉगिन हो गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं हो सकता है जल्दी से जल्दी डालूँगा। थैंक यू।